go to snow places one day. Till then, this is my friend. Dear students, today's topic is significant figures. Often we call it significant digits. This topic is under units and measurement. Unit number 1, chapter number 2. So today I am going to discuss this topic in brief, and this is very important. So get ready. Let us start. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की तीसरी वर्षगांठ मनाने आए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपको अभी संबोधित करेंगे और इस प्रोग्राम का नाम है अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023। इसमें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें आप बच्चों के लिए बहुत से अच्छे प्रावधान किए गए हैं, अनेक कोर्सेज जोड़े गए हैं और आपकी जो सब्जेक्ट की चॉइसेस हैं वो भी बढ़ाई गई हैं। अब आप कोई भी विषय लेकर उसमें आप आगे पढ़ सकते हो और इसमें स्किल के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया गया है और डिजिटल एजुकेशन के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है हमारे भारत को शिक्षा के क्षेत्र में 4 कदम और आगे लेकर जाएगी। उसके उपलक्ष्य में हमारे प्रधानमंत्री महोदय माननीय प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और अपना संबोधन देंगे आप सभी विद्यार्थी और टीचर को। तो आपने ध्यान से इसमें पार्टिसिपेट करना है, सुनना है और यहाँ से जो आप संदेश लेकर जाएंगे वो अपने परिवार, मोहल्ले, भाई बहन सभी को इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो संदेश है जैसा कि मैं बता रहा हूँ पर अभी आप और भी देखेंगे उसको सारों में आपने फैलाना है जिससे कि इस एजुकेशन पॉलिसी का हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकें और अपने एजुकेशन सिस्टम को विश्व के लेवल पर लेकर जा सकें। ठीक है, तो अभी स्टार्ट होगा और सभी ने ध्यान से इस कार्यक्रम में भाग लेना है। तो आपका फिर से यहाँ एक बार स्वागत है सभी का। थैंक यू वेरी मच। जो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से नए सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं जैसे कि पहले जो है कोई एडिशनल सब्जेक्ट नहीं होता था, अब 9th, 10th, 1 प्लस 1 प्लस 2 में एडिशनल सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT। ठीक है, ताकि बच्चे जो है नई है जो जनरेशन है नए जो टेक्नोलॉजी और उत्कृष्ट साइंस लैब लाइब्रेरी ICT सुविधा
और वोकेशनल लैब उपलब्ध कराए जाएंगे। इन स्कूलों को ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के मिशन के अनुरूप यहाँ जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैकाथॉन और सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल अपनाने के लिए जागरूकता भी पैदा की जाएगी। हमारा कोर्स के एंट्रेंस टीम के लिए चला गया है, इसलिए हम बहुत खुश हैं, आभारी हैं और अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहते हैं। प्रधान जी, अन्नपूर्णा देवी जी, राजकुमार रंजन सिंह जी, सुभाष सरकार जी, देश के विभिन्न भागों से आए शिक्षकगण, सम्मानित प्रतुभजन और देश भर से जुड़े मेरे प्यारे विद्यार्थी दोस्तों, ये शिक्षा ही है जिसमें देश को सफल बनाने, देश का भाग्य बदलने की सर्वाधिक जिसमें ताकत है वो शिक्षा है। आज 21वीं सदी का भारत जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है उसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी बहुत ज्यादा महत्व है।